नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा बुलेटिन गुड मॉर्निंग स्वदेश। शुक्रवार को हमने देखा था कि बाजार अपने 17 दिसंबर के निचले स्तर पर पहुंच चुका था और कमजोर ग्लोबल क्यूज भी उस दिन मिल रहे थे और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जिस तरह से सरप्राइज रेट हाइक किया उसका भी दबाव बाजार में देखने को मिला। और हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो भी मामले हैं वो भी अब धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उस दिन की जो कमजोरी थी क्या वो आज भी कंटिन्यू रहेगी और आज किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं ये हम आगे समझेंगे। ग्लोबल मार्केट बताने के लिए प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी, खबरों वाले शेयर्स को लेकर शरद हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी के साथ ही साथ मार्केट पर आपको सुबह सुबह की पहली रणनीति भी आपको इस शो के जरिए बताएंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से जो संकेत मिल रहे हैं वो किस तरीके के हैं और प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी हैं ये बताने के लिए पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है वो कैसे हैं, कुछ राहत है या आज भी कमजोरी दिख रही है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए अपना शुक्रवार को कमजोरी के साथ बंद हुए यूएस मार्केट्स, दूसरा दिन था जब फेड पॉलिसी के फेड आउटकम आया, उसके बाद हमने देखा कि गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन हमें कमजोरी दिखे। इनफैक्ट पूरे वीक को आप कंपाइल करें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। नैसडैक में लगभग 3% की गिरावट पूरे हफ्ते में आई और डाउ लगभग 2% टूटा। शुक्रवार को भी नथिंग डिफरेंट हमें दबाव देखने को मिला। आपने रीजंस अभी कोट किए, जिस तरह से ब्याज दरों को लेकर अब एक क्लैरिटी हालांकि आ गई है, लेकिन ओमिक्रॉन जो है वो एक बड़ा कंसर्न ग्लोबली सारे एसेट क्लास के लिए बना है और सारे एसेट क्लास पर आप दबाव देख रही हैं। पिछले हफ्ते अगर जिस तरह से क्लोज हुए बाजार, डाउ में लगभग 500 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली, नैसडैक में मामूली गिरावट कल देखने को मिली, लेकिन आपको याद होगा थर्सडे को एक बड़ा फॉल देखने को मिला था नैसडैक शेयरों में, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, जिसके चलते हमने देखा नैसडैक इंडेक्स जो है पूरे हफ्ते में, पिछले पूरे हफ्ते में लगभग 3% तक की गिरावट टोटल नैसडैक में देखने को मिली। ये यूएस मार्केट्स है और अभी यूएस फ्यूचर्स भी लोअर साइड ही ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए, एंटिसिपेट कीजिए एक लोअर ओपनिंग अगर आप यूएस मार्केट की डायरेक्शन को देखते हैं। तो एशियन मार्केट से भी आपको कमजोरी के संकेत देखते हैं, निकाय में भी कमजोरी के संकेत है, लगभग 200 odd points की वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है जब मैं डेटा कंपाइल कर रही थी। अभी फिलहाल अपडेटेड डेटा आपके पास जरूर होगा, लगभग 250 अंकों की गिरावट देखिए निकाय में इस वक्त, वहां से संकेत आ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल पर एक बड़ा कंसर्न अब ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर, बढ़ते केसेस को लेकर है और उसके कारण हमने देखा कि वहाँ एक दबाव देखने को मिला। $72 के करीब आपको ओमिक्रॉन ब्रेंट क्रूड का प्राइस मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है क्योंकि January 4th को अगले मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ओपेक प्लस देशों की एक बैठक होनी है जिसपे वो सप्लाई जो एक यूजुअल सप्लाई को रिज्यूम करने की बात थी उसको लेकर ये बैठक थी, लेकिन अब शायद इस तरह की बात की जा रही है कि वो मीट शायद पहले हो सकती है। सो देर आर सम कंसर्न्स रिलेटेड टू ब्रेंट क्रूड प्राइस और जिसको देखते हुए शायद जो अपनी रेगुलर सप्लाई बढ़ाने के जो टारगेट्स थे उसको लेके रिवाइज कर सकता है ओपेक देश, और जिसके चलते हमने देखा कि वहाँ पर ब्रेंट क्रूड पर भी दबाव देखने को मिला। यूएस डॉलर इंडेक्स तेजी के साथ इस वक्त कारोबार कर रहा है, लगभग 96.6 के पास है, तो ऑलरेडी अनकम्फर्टेबल लेवल्स के ऊपर है, लेकिन क्योंकि डॉलर इंडेक्स ऊपर है तो आप इक्वेशन जरूर देख सकते हैं गोल्ड में बुलियन मार्केट से, और साथ ही आप देख सकते हैं हमें ये एक रिस्क ऑफ जो अब दिखने लग गया है बाकी एसेट क्लासेस पर, उसका एक और ट्रिगर आपको दिख रहा है बिटकॉइन में भी। क्रिप्टो करेंसी में लगातार गिरावट अब फिर जारी है, हल्की रिकवरी हमने पिछले हफ्ते जरूर देखने को मिली थी, लेकिन अब फिर से आपको वहां दबाव दिखेगा और लगभग 47,000 के नीचे है बिटकॉइन अगर बात करें तो। पूछा ये सारे ट्रिगर्स रहेंगे आज के लिए। बिल्कुल, तो लगभग हर एक सेगमेंट में आज दबाव देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका सारी डिटेल्स देने के लिए। नैसडैक में पिछले हफ्ते करीब 3% तक की गिरावट देखने को मिली थी और शुक्रवार को भी अमेरिकी बाजारों ने कमजोरी ही क्लोजिंग दी। एशियाई बाजारों की जो कमजोरी है वो अब देखिए बढ़ गई है, निकाय अब 450 अंक नीचे आ गया, करीब करीब 1.5% से ज़्यादा की गिरावट निकाय में है और SGX निफ्टी भी करीब करीब 90 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त SGX निफ्टी भी दिखा रहा है। तो अब ये जो एशियाई बाजारों की गिरावट है वो भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक बार आपको बता देते हैं कि FIIs और DIIs की तरफ से क्या अपडेट है, उसके बाद मार्केट की रणनीति भी समझेंगे। FIIs लगातार जो बिकवाली है वो जारी है कैश मार्केट में और 2070 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIIs की तरफ से देखने को मिली है। DIIs ने कैश मार्केट में खरीदारी करी है, करीब 1470 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी कैश मार्केट में DIIs करके गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में भी जो आंकड़ा है वो बिकवाली का ही है, FIIs ने 470 करोड़ के आसपास की खरीदारी बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में की है और ऑप्शन में भी बड़ी बिकवाली देखी गई है, ये जो आंकड़ा है
देखिए 5,264 करोड़ की बिकवाली करके जा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन में FIIs। तो ये लगातार 30वें दिन हम देख रहे हैं बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, और अगर दिसंबर से अब तक करीब बात करेंगे तो 26,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली FIIs कर चुके हैं। लेकिन उसके सामने DIIs की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है वो भी हम देख रहे हैं, और वो आंकड़ा भी करीब 20,000 करोड़ के आसपास का है। तो ये तो बात हुई FIIs और DIIs के आंकड़े की, लेकिन अब बाजार पर रणनीति भी समझ लेते हैं, और हमारे साथ इस पर सुबह सुबह अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। अजीत, गुड मॉर्निंग। संकेत तो अच्छे नहीं हैं, कुछ नेगेटिव साइड पर हैं, और शुक्रवार को हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई थी। अब क्या लगता है, टेंशन और गिरावट और बढ़ सकती है मार्केट में, या फिर अहम सपोर्ट लेवल था जो हमने शुक्रवार को छुआ, कुछ रिकवरी की उम्मीद आप कर रहे हैं, कैसे आज मार्केट को ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, फ्राइडे का सेशन डेफिनेटली नेगेटिव था, और इनफैक्ट जो पूरा वीक, जो दो वीक के रीबाउंड के बाद जिस तरीके से हमने दोबारा देखा कि सेलिंग प्रेशर रिज्यूम करते हुए निफ्टी 17,000 के नीचे क्लोज करते हुए, तो रेंज तो देखिए अभी भी इंटैक्ट है कि जहाँ पे कि 16,700 से लेकर 16,900 बेसिकली एक इमीडिएट सपोर्ट जरूर था जिस टाइम से लास्ट टाइम एक हमने एक रीबाउंड देखा था मार्केट में बनते हुए। बट अभी जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, तो पॉसिबिलिटी उन लेवल्स को रीटेस्ट करना, मतलब 16,900-16,700 को रीटेस्ट करना, उसकी ज्यादा है, कंसिडरिंग कि ओवरऑल इन नेगेटिविटी बढ़ी है। और मोर इम्पोर्टेंटली पूछा कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स में हमने काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखा था, तो वो एक डेफिनेटली एक नेगेटिव फैक्टर है कि अभी तक उतना जिस तरीके का डिक्लाइन यू नो मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं दिख रहा था जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दिखा, तो वो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे ट्रेडर्स के लिए, तो उस पे ज्यादा फोकस रखना है। इंडेक्स मुझे लगता है कि 16,900-16,700 के अराउंड पे जाके एटलीस्ट एक पॉज जरूर लेकर दोबारा से उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है? प्रॉब्लम आ सकती है बैंकिंग इंडेक्स से, ये दोबारा अपने 200 दिन के यू नो मूविंग एवरेजेस के पास आ गया है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के पास आ गया है, 35,450 के नीचे पूजा, यहाँ पे आप 34,800 तक के लेवल्स या फिर शायद उससे भी लोअर लेवल्स देखेंगे, तो बैंकिंग में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं पे अगर रीबाउंड आता है तो निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस करीब 17,150 का होगा, और बैंकिंग इंडेक्स में करीब 36,000-36,500 ये रेजिस्टेंस क्रैक करेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के ही आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी गई है। इसके अलावा जीत, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या लेके चले? देखिए मार्केट के इनलाइन रहना जरूरी है, कि बहुत क्लियर है कि जिस तरीके से दोबारा से यू नो सेलिंग प्रेशर रिज्यूम किया है, बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जैसे हमने बताया कि क्रिटिकल लेवल पे भी है, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर है, और यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है विद इन द बैंकिंग स्पेस उन्हीं पे आपका फोकस होना चाहिए फॉर फ्रेश शॉर्ट्स। तो बंधन बैंक एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि मंथ ऑन मंथ हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए, यहाँ पे लग रहा है कि पोटेंशियल और डाउन साइड का है, नियर टर्म में आप 250 तक के लेवल आते हुए देखेंगे, तो इसको आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं 275 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे पूजा एक कंट्रेरियन ट्रेड है बाय साइड पे, IT इंडेक्स जो केवल एक लौता इंडेक्स है जहाँ पे की बाइंग इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बनी हुई है, और पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये स्ट्रेंथ थोड़ा सा आने वाले टाइम में बढ़ भी सकती है, तो विप्रो एक ऐसा कैंडिडेट है विद इन दी IT पैक जहां पे हमको लग रहा है कि यहां पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं 645 के स्टॉप लॉस के साथ 720 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, ठीक है, तो ये दो स्ट्रैटेजीज भी आपको बता दी गई है। बंधन बैंक, बैंकिंग में अभी भी प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चले, और विप्रो IT स्टॉक्स इस माहौल में भी अच्छे लग रहे हैं। शुक्रवार को भी हमने देखा था कि हर तरफ बिकवाली थी एक IT को छोड़कर, तो यहाँ पर भी आप नजर रखिए, विप्रो 720 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और ये रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी हमें सुझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज भी देख लेते हैं। सेंट्रल ब्रोकिंग और निर्मल बैंक की तरफ से हमें कुछ कॉल्स मिल रही हैं, और सेंट्रल ब्रोकिंग की तरफ से जो पहला कॉल है वो है KSCL, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 525 के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस होगा 501 का। और अगला जो कॉल है यहाँ पर भी ये एक IT स्टॉक HCL टेक में ही खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, तो IT स्टॉक्स में आज रुझान अच्छा देखने को मिल रहा है, इधर जरूर नजर रखिए आप। 1200 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1155 का। और निर्मल बैंक की तरफ से जो दो
कॉल्स हैं, इसमें पहला है पावर ग्रिड, खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 216 के लक्ष्य के लिए। और जो दूसरा कॉल है यहाँ पर भी ये HCL टेक में ही खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और इनका भी मानना है कि 1200-1210 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो जरूर नजर रखें, स्टॉप लॉस होगा 1130 का। तो ये तो बात हुई कुछ ट्रेडिंग आइडियाज की, अब खबरों वाले शेयर्स पर भी बात कर लेते हैं और शरद जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद गुड मॉर्निंग, बताइए सबसे पहले तो IPO को लेकर जानकारी दीजिए, वहाँ से क्या अपडेट आ रही है, उसके बाद खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग पूजा, तो आपके प्राइमरी मार्केट स्पेस में एक्शन जो है ज़रूर बरकरार है, आखिरी हफ्ते दिसंबर की टूवर्ड जाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि लैटेंट व्यू एनालिटिक्स का एंकर जो लॉक इन पीरियड है वो आज खत्म हो रहा है और लगभग 6.9% जो शेयर्स हैं वो एंकर इन्वेस्टर्स के हैं ओवरऑल इक्विटी की। लिस्टिंग प्राइस देखें तो ऑलमोस्ट 197 था, लेकिन अभी जो मार्केट करंट मार्केट प्राइस है उसमें ऑलरेडी 3 गुना जो है रिटर्न्स दे दिया गया है, तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकती है और हम थोड़े प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे एनालिस्ट कह रहे हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज का आज लिस्टिंग है और ये कंपनी का ऑलमोस्ट 660 करोड़ का IPO है और जो प्राइस बैंड है अपर प्राइस बैंड 108 रुपये प्रति शेयर है, तो इस पर सारे निगरानी होगी। और आखिर में सुप्रिया लाइफ साइंस का आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का, दूसरे दिन के एंड में अगर आप देखें तो लगभग 5.7 times ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट्स में और सिंस में जो हमने लिया है सबसे पहले वो है सिप्ला। सो सिप्ला में एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि USFDA से उनकी जो लैनिट्रियोड इंजेक्शन है उसकी एक अप्रूवल मिल गई और ये इंजेक्शन जो है आपकी ट्यूमर को जो है केटर करती है, उस ड्रग को सॉल्व करने का कोशिश करती है ट्यूमर इश्यूज़ को। और अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देखें तो बेहतरीन मार्केट अपॉर्चुनिटी है, लगभग $750 million का ओवरऑल मार्केट अपॉर्चुनिटी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दूसरी प्लेयर होगी जो इनोवेटर है, उसके बाद सिप्ला होगी जो इस प्रोडक्ट में आएगी। गेल भी रहेगा फोकस में, उनकी फाइनेंशियल जो डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड 23 दिसंबर को जो है विचार होगी, बोर्ड करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट करार भी हुई है, MOU साइन की गई है गुजरात अल्कलीस के साथ, ऑलमोस्ट 500 KLPD बायोइथेनल प्लांट जो लगेगी वो आपके गुजरात में होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर ग्रुप दोनों जो हैं फोकस में रहेंगे और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो CCI है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है रिवोक कर दी है जो 2019 में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के साथ जो JV होनी थी उसे रिवोक कर दिया गया और एक बड़ी सी पेनल्टी भी लग गई है, वो लगभग 200 करोड़ का लगाया है। तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है रिएक्शन रिलायंस में देखने मिल सकता है। ब्रुकफील्ड इंडिया REIT तो ये भी फोकस में आ जा गई है और REIT ने जो है लगभग $52.2 crore जो है डॉलर्स में, तो वो CVU डेवलपर्स की बिल्डिंग ने उन्होंने खरीदारी की है और अपनी जो एसेट पोर्टफोलियो है उसको बढ़ाया है, तो ये मूवमेंट रहेगा हमारे रडार पे। टाटा मोटर्स ने भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है व्हीकल स्क्रैपेज यूनिट के लिए और ये एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे BS नॉर्म्स आगे बढ़ रहे तो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्टॉक के लिए। IRB इंफ्रा भी रहेगा फोकस में, उनको जो है लेटर ऑफ ऑर्डर मिली है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से जो आपकी UPID है एक्सप्रेस वेज का, लगभग 6555 करोड़ का ये ऑर्डर है। और आखिर में फोकस रहेगा इंडिगो के लिए, मैनेजमेंट कह रहे हैं कि वो जो कार्गो बिजनेस है उस पर भी थोड़ा फोकस ज़रूर करेंगे। याद रखिए इनका जो रेवेन्यू जो है 10% से नीचे आता है कार्गो बिजनेस से, अगर आप कंपेयर करें स्पाइस जेट से उसका रेवेन्यू लगभग 25-30% आता है, तो ये एक अच्छी पॉजिटिव ट्रिगर स्टॉक के लिए हो सकती है। हालांकि उन्होंने एक और चीज़ कहा कि वो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है इस पे जो है ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देंगे। तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं और ये स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आज रहेंगे दिन में। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें भी हैं और IPO मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन बना हुआ है, जैसा कि थोड़ी देर पहले शरद भी डिटेल्स दे रहे थे, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग होगी, लेटेंट व्यू IPO, आज एंकर लॉकिंग खत्म होगा, हम इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो हम आपको एक एक करके सब बता रहे हैं, तो उस पर भी नज़र रखिए। और सुप्रिया लाइफ साइंसेज IPO में पैसा लगाने का आज आखिरी मौका है। IPO मार्केट में इसलिए भी हम एक्शन देख रहे हैं क्योंकि अब आने वाले समय में आज है 20 दिसंबर, तो आज से लेकर 28 दिसंबर तक बहुत सारी कंपनियां जो कि लिस्टिंग होने वाली, जिनकी की IPO भी आए कुछ महीने या दिसंबर महीने में, अब उनकी लिस्टिंग भी होनी शुरू हो जाएगी, उसकी भी डिटेल हम आपको बता देते हैं। 20 दिसंबर यानी कि आज श्रीराम प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग होगी, उसके बाद कल होगी मैप माई इंडिया की लिस्टिंग,
22 दिसंबर यानी कि मंगलवार को मेट्रो ब्रांड्स की लिस्टिंग होगी, तो इस पर भी नजर रखिए। फिर 23 दिसंबर को मेटप्लस हेल्थ सर्विसेज की लिस्टिंग होगी, 24 दिसंबर डेटा पैटर्न्स की लिस्टिंग होगी और 28 दिसंबर सुप्रिया लाइफ साइंसेज। यानी आने वाले 10 दिनों में ये कुछ 6 कंपनियां हैं जिनकी की जो लिस्टिंग होगी और इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो लिस्टिंग में क्या करना चाहिए ये भी हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। पहला जो हमें राय आई है वो है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, नायका पर कवरेज शुरू की है मॉर्गन स्टैनली ने। इक्वल वेट की रेटिंग के साथ ये कवरेज शुरू की गई है और लक्ष्य देख रहे हैं 2183 का। मार्केट एक्सपर्ट के अनुमान से ज़्यादा तेज़ी से इनका मानना है कि प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की है कंपनी ने, कारोबार पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अभी बैलेंस्ड है। तो नायका पर नज़र रखिए आप। और इसके अलावा HSBC की रिपोर्ट आई है क्रेडिट ग्रामीण पर, खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 810 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। इनका मानना है कि कारोबार में रिकवरी लौटी है, कलेक्शन एफिशिएंसी में भी कंपनी के एक इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं और इसके अलावा अब तक का जो ट्रेंड रहा है कंपनी का डिसबर्समेंट को लेकर, इससे मजबूत आंकड़ा डिसबर्समेंट को लेकर इस तिमाही देखा गया है। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। एक चीज़ जो इन्होंने बताई वो ये कि कस्टमर अधिग्रहण को लेकर यानी कि कस्टमर एक्विजिशन को लेकर कंपनी को यहाँ पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो ये रिपोर्ट है HSBC पर 810 का लक्ष्य है और नायका पर भी हमने आपको लक्ष्य बताया 2183 का लक्ष्य नायका पर भी देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। इक्विटी मार्केट से जुड़ी तो हमने एक एक चीज़ आपको बता दी है, कमोडिटी मार्केट में क्या करें ये भी समझ लेते हैं। और रवि द्योरा फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं अभी मेरे साथ। रवि गुड मॉर्निंग, बताइए आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है और आपकी तरफ से ट्रेड क्या होंगे। गुड मॉर्निंग, आज जिस हिसाब से इक्विटीज में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में देखे तो वहाँ पे जो ओमाइक्रोन खतरा है, साथ में सेंट्रल बैंक की जो टाइट होती पॉलिसी है उसका भी एक मार्केट में एज इकोनॉमिक वेव है वो नेगेटिव चला है, तो लग रहा है कि इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपको कमोडिटी प्राइसेस में भी देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर क्रूड जहाँ पे प्रिकॉशन के पार्ट पे सारे जो कंट्रीज है उसमें ये फेस्टिविटी के टाइम पे अपना जो लॉकडाउन अनाउंस किया है तो ट्रैवलिंग एक्टिविटीज एंड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में थोड़ा प्रॉब्लम होने की एक्सपेक्टेशन है, तो जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रूड पे देखा जा सकता है। 5-40 के टारगेट के लिए जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड को सेल करके चले, स्टॉप लॉस आप 5450 का लगाए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए 5000 तक के लेवल्स पे अप्रोच हो सकते हैं, तो क्रूड में सेल की सलाह है। और जो सेकंड रिकमेंडेशन है वो डॉलर इंडेक्स के ऊपर है, डॉलर इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ है इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट शायद आपको मेटल्स में देखने को मिले और इसमें मैंने सिल्वर को सिलेक्ट किया है, वहां पे मेरी मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सेल की सलाह है। 61,600 के इसको शॉर्ट करके चले, 62,410 का स्टॉप लॉस लगाए। तो लग रहा है कि आज मेटल्स हो या क्रूड हो सब में एक आज बिकवाली का दौर है जो एक्सटेंड हो सकता है। ओके, तो क्रूड में बिकवाली करने की राय हमने सुबह बात भी की थी कि यहाँ पर कमजोरी देख सकती है, तो बिकवाली करने की राय 5-40 के लेवल्स देख रहे हैं और सिल्वर में भी बिकवाली करने की राय आपको दी जा रही है, 61,600 के टारगेट यहाँ पर भी दिख रहे हैं। रवि बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए दर्शकों को। चलिए फिलहाल गुड मॉर्निंग स्वदेश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।